सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन, इस्मत चुगताई जी का नया पाठ ये बुजुर्ग कक्षा 8 का लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस्मत चुगताई जी उर्दू साहित्य की सर्व प्रमुख लेखिका रही हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। बच्चों, इस्मत चुगताई जी का जन्म 15 अगस्त 1915 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इस्मत चुगताई जी हैं, इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 को हुआ था। इनकी वसीयत के अनुसार मुंबई के चंदनवाड़ी में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया था। अपने टाइम में ये कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रही थी। इनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा 1973 को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। और इस्मत चुगताई जी को, जो कि उर्दू की लेखिका बनी थी, इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनका ही एक छोटा सा अंश ये बुजुर्ग पाठ में हम पढ़ते हैं। ये बुजुर्ग पाठ में मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं, आगे लिखकर बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दी है। माइंड मैप के जरिए भी आपको बता दूंगी इस पाठ में क्या क्या आता है, और इसके अलावा एक वर्कशीट विद आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दी है। फिर भी आपको कोई परेशानी हो इस पाठ से रिलेटेड, बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बुजुर्ग जो पाठ है, इसमें बड़ों के प्रति जो छोटे बच्चे हैं उनका कितना प्रेम है, और प्रेम अगर नहीं है तो उन्हें जगाना, ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस पाठ का एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा है कि बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो कि आजकल बच्चों को आप देखते हैं, बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लास के लिए क्या किया जाता है, उठाया जाता है ज़बरदस्ती, जबकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद होना चाहिए। आपको खुद अपने टाइम पर, जब आपको पता है हमारा 8 बजे का पीरियड है, तो हमें खुद उठ के तैयार होकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चे, उन्हें पता है कि हम अपने अब्बा और अम्मा पर निर्भर करते हैं। हमारे अब्बा अम्मा हमें जगा देंगे तो हम उठ जाएंगे। इसी तरह इस पाठ में भी रशीद है। इस पाठ में मुख्य करैक्टर जो जो हैं, मैं उनके नाम बता रही हूँ, अब्बा हैं, अम्मा हैं, रशीद है, सुरेश है, दादी माँ है, मरियम है, और हमीद है, मुन्नी है। ये सारे बच्चे इस पाठ में हैं। बच्चों के साथ उनके माँ बाप और उनकी दादी माँ भी है। उनके घर में बुजुर्गों की जो परेशानी है उसको बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इस पाठ के माध्यम से मैंने यही बताना चाहा है। पहले पाठ में देखें हमने क्या लिखा है। पहले पाठ का जो पहला पेज है उसमें लिखा है, अरे चलो भी, सुरेश ने जिद करते हुए कहा। सुरेश जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, रशीद जो है वो मुसलमान धर्म से रिलेटेड है। सुरेश और रशीद दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, तो सुरेश जो है वो जिद कर रहा है रशीद को कि चलो कहीं घूमने के लिए। लेकिन रशीद क्यों नहीं जा रहा, मुंह बना रहा है कि उसकी अम्मा उसे डांटेगी। उसे थोड़ा इस बात का डर है कि अम्मा जो है वो उसे डांटेगी, इसलिए वो सुरेश को मना कर रहा है। लेकिन सुरेश बदले में क्या कह रहा है कि तुम तो इतने बड़े हो गए, अब तक अम्मा तुम्हें मारती है। तो उसका जवाब देते हुए रशीद ने क्या कहा कि मारती तो नहीं है, लेकिन ऐसा लेक्चर झाड़ती है कि सांस लेनी भी दुश्वार हो जाती है। इस पेज में यही बताया कि जो बच्चों को समझाया जाता है वो उनको लेक्चर लगता है, भाषण लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप की कही हुई एक एक बात बच्चों की मन स्थिति पर ऐसे प्रभाव डालनी चाहिए कि वो उनकी बात को अपनी जिंदगी में अपनाकर जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसमें वो चिढ़ा रहा है अपने छोटे भाई बहन को, कौन, रशीद, कह रहा है हर वक्त। ये सुनकर सुरेश का दिल भी बंद हो गया कि पता नहीं ऐसा कौन सा लेक्चर झाड़ती है इसकी अम्मा। ये अल्लाह ने जान को माँ बाप क्यों लगा दिए। रशीद देखिए क्या कह रहा है कि ये अम्मा, ये अल्लाह जो है, ऊपर वाला जो है, उसने माँ बाप क्यों बनाए हैं भाई। हर वक्त इधर से उधर देखते रहते हैं, दूसरों को बोलते रहते हैं, कभी मेरे छोटे भाई बहन को बोलते हैं, जब मुझे बोलते हैं मुन्नी को मत चिढ़ाओ, जूते मुझे संभाल के रखो, या फिर एक दफ़ा को अम्मा चुप भी हो जाए, लेकिन जो आपा है, आपा तो जान को आ जाती है। जिंदगी कहता कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। आपा से बढ़ के तो कहता दादी अम्मा। आपा कौन होती है, बड़ी बहन होती है, तो बड़ी बहन से बढ़ के तो कहता दादी अम्मा। और इनके घर में सबसे छोटा बच्चा जबकि हमीद है, लेकिन जाना कौन जाता है, दादी अम्मा।
क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें ठीक से दिखाई देता है, ना उन्हें सुनाई देता है, लेकिन हर बात में उन्हें क्या करना होता है, एक उंगली दिखानी होती है, एक टांग करनी होती है। तो वो हमेशा अम्मा और अब्बा को तो वो कभी छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो उनके बहू और बेटे हैं, लेकिन बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। वो कहती है हर वक्त तो तुम खेलते रहते हो, धमा चौकड़ी मचाते रहते हो, कभी कोई अक्षर पढ़ लिया करो। और बच्चे कहते हैं कि अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो कहती हैं अरे बस कर, कब तक पढ़ेगा, आंखें बटन हो जाएंगी। तो कभी कहें कि बस हर वक्त गायब ही है, नहीं कभी पास आके बैठे। तो कभी कहती है कि मेरे पास आकर तो कोई बैठता नहीं है, बुढ़ापे में है अम्मा तो उन्हें लगता है कि हमारे पास आकर कोई बैठे, लेकिन अगर हम उनके पास भी बैठ जाते हैं तो अरे लड़के क्यों मेरी जान पे सवार है, चल भागे यहाँ से, तो ऐसे करके हमें दौड़ा देती है। तो वो बहुत परेशान है रशीद जो है। तो रशीद कह रहा है कि इतना सारा कुछ है, मतलब अल्लाह ने माँ बाप लगा क्यों दिए हमारी जान को, क्यों बना दिए ये माँ बाप। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास कब होगा, जब माँ बाप जो हैं उन्हें छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और जब वो लौट कर आते हैं तो उन्हें कितनी सुख की सांस आती है, ये इस पाठ में बताया गया। आइए पृष्ठ संख्या 15 पे, मैं मेन बता देती हूँ आपको इस पाठ में और इस अंश में कितना हिस्से में कि क्या क्या समझाया गया है, तो वो मैं बता रही हूँ। मगर जब उस दिन रशीद ने घर में कदम रखा तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन ये बात तो हो गई एक दिन की कि ऐसे हुआ। अगले दिन क्या हुआ, रशीद जब घर से बाहर गया हुआ था, लौट के आया तो उसने देखा सब बड़े चुपचाप हैं, सन्नाटा सा छाया हुआ है, बड़े सहमे सहमे बैठे हैं, सबका मूड ऑफ सा है। पहले तो रशीद ने मुन्नी करीबन खींचा, जैसे भाई बहन शरारते करते हैं आपस में, बाहर से आया मुन्नी करीबन खींच दिया, वो थोड़ी सी चिल्ला पड़ी तो मुर्गी की तरह चिल्लाई। अम्मा ने डांटा नहीं, क्योंकि अम्मा तो आगे डांट देती है, आए डांटा नहीं ना। जो बड़ी बहन है वो गुर्रा रही है, मतलब देख रही है गुस्से से। रशीद जो है वो तीखी नज़रों से देखता हुआ साइड पे हो गया, चला गया। फिर चौंक कर आपा की तरफ देखा, वो दरवाजे पे चुपचाप खड़ी है। रशीद को समझ नहीं आया आज हो क्या रहा है, कोई मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहा। अब्बा जो हैं वो आराम से कुर्सी पे अधलेटी अवस्था में बैठे हुए हैं। रशीद और मरियम को देखकर त्योड़ियां चढ़ाकर कोई सख्त बात कहने की बजाय बड़ी नरमी से अब्बा ने इतना बोला कि आओ आओ, जैसे वो दोनों कोई मेहमान हो। उन दोनों बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इतने प्यार से अब्बा हमें अपने पास बुला रहे हैं। अब वो जो अब्बा हैं अपनी बेगम से कह रहे हैं कि तुम ही बता दो बच्चों को बात क्या है, लेकिन अम्मा ने मुंह फेर लिया। अब बात ये थी कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हार्ट में कोई कहते जैसे छेद सा हो जाता है तो वो था, तो वो इसके इलाज के लिए पहाड़ों पे डॉक्टर ने सलाह दी थी वहाँ जाके इलाज होगा इसका, इसलिए वो बच्चों को बताने से घबरा रहे थे। चार छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, क्योंकि आज तक वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होते आए हैं। बस यही है इस पार्ट में। अब वो याद दिला रहे हैं उसको जो मरियम है कि मरियम 7 फरवरी को तो हमारा बर्थडे आने वाला है, तुम तो 14 ईयर्स की हो जाओगी, 14 साल की हो जाओगी। मरियम ये सुनकर बड़ी हैरान परेशान हो गई, कहीं मेरी शादी ना कर दें ये। और रशीद के पेट में जो रशीद है उसके पेट में चूहे कूदने लगे, कुछ जानने की इच्छा होने लगी। तो रशीद को कहने लगे कि तुम रशीद मियाँ अक्टूबर में तो 12 साल के होकर, अरे नहीं 11 के होकर अब 12वें में चल रहे हो। तो अब्बा हंसे, रशीद की हथेलियाँ पसीज गई। अब वो खामोश हो गया कि चक्कर क्या है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं हमारे सामने। तो वैसे तो तुम्हारी अम्मा का और खुद हमारा भी ख्याल है कि अभी तुम दोनों बच्चे हो, मगर हमारा ये ख्याल गलत है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। आगे पृष्ठ संख्या 16 पे आ जाइए बच्चों। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा आज हमारी राय लिए जा रही है, हमें तो भगाते रहते हैं दौड़ाते रहते हैं, आज हम इतने बड़े कैसे हो गए कि हमारी राय लिए जा रही है, और वो भी पता नहीं किस बात पर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर अम्मा ने करुणा भरी निगाहों से देखा, मतलब बड़ी दया भरी नज़रों से अपने बच्चों को देखा, अब्बा ने देखा अम्मा की तरफ। तो डॉक्टरों का कहना है, इतना ही लफ्ज़ बोला था अभी कि डॉक्टरों का कहना है, लेकिन अम्मा जो थी वो रो पड़ी छमछम करती हुई, उसकी आवाज़ जो थी भर्रा गई। तो फिर अब्बा बोले, तुम तो ऐसे घबरा रही हो बेगम जैसे हम मरने जा रहे हैं। तो वो कहने लगी कि चुप हो जाओ, जैसे होता है ना किसी के मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो हम उसको रोकते हैं, तो उसने भी कहा खुदा ना करे ऐसा हो तो आप चुप रहिए। तो बेटे हमें पहाड़ पर जाना पड़ेगा, वो अब बच्चों से कहने लगे। पहाड़ पर, मरियम ने बड़ा कांपते हुए बोला, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, दाएं फेफड़े पे छोटा सा पैच है, आजकल तो ये बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन पुराने जमाने में आम नहीं हुआ करती थी ना। तो बच्चे घबरा गए, मरियम ने भी सिर हिला दिया ठीक है।
तो हमारे साथ बच्चों, आपकी अम्मा भी जाएगी। अब बच्चे परेशान, अम्मा भी साथ जाएगी, तो बच्चे जिद करते हैं कि अम्मा साथ जाएगी तो हम भी साथ जाएंगे। तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, तुम लोगों की क्या राय है, ये सब बच्चे आपस में सोचने लगे, परेशान होने लगे, अब्बा अम्मा भी परेशान होने लगे। तो मरियम ने क्या किया, रशीद की तरफ देखा, रशीद को गुस्सा आने लगा। आज तक उसके अपने मामले में भी कभी किसी ने जरा राय नहीं ली, हमेशा हुक्म ही दिए हैं, आदेश ही चलाए हैं, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि घर के बुजुर्ग उनसे राय ले रहे हैं। तो वो कहने लगे, तुम्हारी फूफी जान को हमने पत्र लिख दिया है, मगर वे आगे बात काट दी उन्होंने। तो बच्चों ने अब पूछा, बच्चों में भी पहले रशीद ने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? फिर अब्बा ने बड़ी नरमी से आंसर क्या दिया, काश हमें ना जाना पड़ता, लेकिन मेरे फेफड़े में छोटा सा पैच है, उसके इलाज के लिए हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। रशीद के गले में आंसू चुभने लगे, लेकिन बच्चे ने अपने आप को संभाल लिया किसी भी तरह, क्योंकि उसे पता था उससे भी छोटे दो भाई बहन और हैं। मरियम तो चलो उसकी उम्र की बराबर ही की थी। तो मरियम ने बड़े विश्वास से कहा, रशीद तुम और मैं घर की देखभाल कर लेंगे, हम भी अपनी आपा से बहुत लड़ा करते थे, आपा बहुत खोटी है, सब अपाएं, सब बड़ी बहनें बुरी होती हैं, मगर हमें तुम पर भरोसा है। ओ हो, ये मरियम तो बड़ी भावुक लड़की है। मरियम को रोते देखकर अब्बा मुस्कुराए, फिर रशीद से बोले, बेटे तुम काफ़ी मजबूत दिल वाले हो, रुपया पैसा तुम चाहो अपने हाथ में रखो, मतलब रुपये पैसे का जितना भी हिसाब किताब रखना होगा वो तुम अपने हाथ में रख लेना। लेकिन फटाफट से रशीद ने क्या किया, मना कर दिया। उसको तो घबराहट होने लगी कि ये रुपये पैसे वाला जो मामला है वो तो मरियम पे छोड़ दो, क्योंकि मरियम जो है वो बड़ी बहन है, वो ज़्यादा समझती है। दौलत खा तो रहेंगे, बाकी बावर्ची, बेरा और आया, इनमें से अम्मा के लिए आया का होना ज़रूरी है। अम्मा मतलब उनकी जो दादी है, बच्चों की दादी। बावर्ची के बगैर तुम्हारा काम चलेगा नहीं। तो सारी फैसिलिटीज़ माँ बाप ने सेट कर दी कि बावर्ची खाना बना देगा, बैरा भी है, आया भी है उनकी देखभाल के लिए। तो अम्मा होती तो और बात थी, मगर बैरा, हाँ बैरे की ज़रूरत नहीं है, मरियम ने राय दी। तो मरियम ने कहा, बैरे की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना मैं पका लूँगी, और बावर्ची भी अच्छा खाना तो बनाता नहीं है। तो बापू जी ने क्या कहा आगे, उसके अब्बा ने, कि तुम स्कूल जाओगी खाना पकाओगी, रहमत बुआ खाना पका लेगी, मैं भी मदद करूँगी, मरियम ने ऐसा कह दिया। इस पेज पर ज़्यादातर जाने की बात हो रही है, और जाने के बीच में जो डिफरेंस है उसमें बच्चों ने क्या क्या किया उसके बारे में बताया है। तो देखो जी, अगर अब्बा के चलते वक्त तुम रोए पीटे तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब बच्चों को ये पता चल गया कि उसके माँ बाप जो है वो जा रहे हैं। मुन्नी हमीद पहले तो बड़े मचलने लगे, मेरे को भी अम्मा के साथ जाना है, अब्बा के साथ जाना है। लेकिन अब्बा ने क्या कहा कि बच्चों तुम्हें ये बच्चापन भूलना पड़ेगा, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ बच्चों को रखने की इजाज़त नहीं है, और जो बीमारी उनके पिताजी को है, जो उनके अब्बा को है, वो तो छूत की बीमारी है, छूने पर भी फैल जाती है। तुम लोगों के फेफड़े बहुत नाजुक हैं, अगर हम ना गए तो मर जाएंगे। तो अब्बा के जाने से पहले मरियम और रशीद ने दोनों बच्चों को बुलाकर कमरा बंद करके ना एक मीटिंग सी, एक सभा सी बुला ली, कि उन दोनों बच्चों को समझाया कि तुम दोनों की खाल उधेड़ देंगे अगर तुम दोनों रोए पीटे, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे अब्बा को ना बड़ा दुख होगा उनको जाते वक्त। तो फिर वो दोनों छोटे बच्चे समझ के बेचारे, उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। लेकिन मुन्नी जो थी ना वो फूट पड़ी, रो पड़ी। तो स्टेशन पर चारों बच्चों ने अब्बा अम्मा को बड़ा हंसकर विदा किया, बाय बाय जैसे करते हैं, मगर जब गाड़ी दूर चली गई तो चारों सिसकियां भरते घर वापस आए। बच्चों को होता ही है, माँ बाप घर से दूर चले जाते हैं तो सिसकियां भरते घर वापस आए। मुन्नी और हमीद तो ऐसे सहम गए जैसे अनाथ हो गए हो। रशीद जो था वो अब्बा की कुर्सी पे बैठकर एकदम अब्बा की तरह व्यवहार करने लगा, जैसे बड़ा समझदार हो गया है। पहले तो अब्बा अम्मा थे तो जानवरों की तरह कूद पड़ता था खाने पे, लेकिन आज क्या हो गया, आज तो वो हमीद और मुन्नी की खातिरदारी करने लगा। हमीद और मुन्नी सबसे छोटे भाई बहन है, हमीद तो सबसे छोटा है, मुन्नी उससे बड़ी है। छोटे भाई बहन को सुलाकर रशीद और मरियम क्या करने लगे, बड़े बूढ़ों की तरह हिसाब किताब करने लगे। अगले पेज पे आइए बच्चा। सुबह ही सुबह जब मरियम दोनों बच्चों को तैयार करने गई तो उसने देखा कि रशीद मुन्नी के बालों में बड़ी मेहनत से रिबन बांध रहा है और हमीद खुद अपने बालों में कंघी कर रहा है। बड़ा डिफरेंस आ गया बच्चों का। जो बच्चे अपने माँ बाप की उपस्थिति में कभी बर्तन यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखा, आज अनुपस्थिति में देखो खुद अपने बालों में कंघी कर रहे हैं, और रशीद मुन्नी के बालों में रिबन बांध रहा है, नाश्ते पे भी दोनों ने कहे बगैर बच्चों ने नैपकिन लगा लिए, बड़े सलीके से खाना खाया। तो ये सारी माता पिता की अनुपस्थिति में देखो जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह घर संभाल लिया। कहने को ये बात बड़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया।
बावर्ची और बैरे के जाने से पहले तो मरियम को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर रशीद ने और मरियम ने सिर जोड़ के हिसाब लिखाया। उन्होंने कहा कि काम का बंटवारा कर लेते हैं, दोनों भाई बहन बड़े हैं, आधा काम तुम कर लेना आधा काम हम कर लेंगे। इससे क्या होगा, मुन्नी और हमीद जो हैं उनको हम इतना काम देंगे कि वो चीज़ें ना फैलाएं, बस अपने कपड़े जो है वो सलीके से रखें। पढ़ाई में कहते हैं बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो होता है माँ बाप घर नहीं होते तो बच्चों का मन डाइवर्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो मस्ती करेंगे, खाएं पिएंगे, सोएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, लेकिन उन्होंने बड़े भाई बहन ने अब्बा और अम्मा की तरह पूरा घर संभाला और बच्चों से कह दिया कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल विघ्न नहीं आने देना, पढ़ाई में ज़रा भी नंबर कम नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट ख़राब हो गई तो वहाँ अगर अब्बा को पता चला तो उन्हें तो और तकलीफ़ होगी। ये बात उनके जैसे आप कहो कि दिल पर ना बच्चों ने ले ली और उन्होंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया जैसा कि अनुपस्थिति में उन्होंने अब्बा और अम्मा ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे इतना संभल के रहेंगे, लेकिन फिर भी मरियम और रशीद ने उनका इतना ख्याल रखा। दादी अम्मा तो उनके घर में सबसे छोटा बच्चा थी, क्यों, क्योंकि उन्हें बीमारी के बारे में भी नहीं बताया था, वरना रो रो कर तो वो अपना हाल ख़राब कर लेती हैं। बुज़ुर्ग बंदा है, बुज़ुर्ग बंदे को क्यों बताने लगे कि उनके बहू और बेटा किस वजह से गए हैं। कह दिया था कि इम्तिहानों के सिलसिले में नागपुर गए हैं, तो अब वो आगे बढ़बड़ाने लगी। बच्चों को छोड़ के मियाँ बीवी बड़े मज़े से चल दिए, आने का नाम ही नहीं ले रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ वो बड़बड़ाती रहती क्योंकि उन्हें तो असली बात नहीं पता थी। आखिर के जो 2 महीने थे ना बच्चों के, बड़े कठिनाई से गुजरे क्योंकि उन्हें एक एक पैसा बड़ा संभाल के खर्च करना था। दौलत खां सठियाए हुए थे, मरियम और रशीद साइकिलों पे सामान लाद के ले आते थे, सफाई से डिब्बों में भर देते थे, शनिवार की शाम को सब बैठकर खत लिखते थे अपने मम्मी को, अपने अम्मा को, अपनी अब्बा को। खाने की जो मेज थी वो रशीद लगा देता था, मरियम खाना पकाने में आया का अपनी बड़ी बहन का हाथ बटा देती थी, आया का हाथ बटा देती थी। हमीद और मुन्नी जो थे वो ड्राइंग रूम साफ कर देते थे, छोटे छोटे बच्चे थे और ड्राइंग रूम साफ कर देते थे। दादी को फुसलाने का काम भी वो कर लेते थे, दादी को फुसलाते कैसे थे, उनका माइंड जो था वो डाइवर्ट कर देते थे, उनसे पुरानी कहानियाँ सुनते थे और दादी के पास एक ही कहानी होती थी, वही एक बादशाह था। तो बच्चे भी अब सुन के थक गए थे तो वो कहते थे दुनिया के बादशाह खत्म हो रहे हैं पर दादी अम्मा का बादशाह नहीं मरता अभी तक। रशीद तो छिड़के कह देता था मगर दादी अम्मा का दिल ना छोटा हो इसलिए जो वे सुनाती वो चुपचाप बच्चे बैठ के सबर से सुन लेते थे ताकि हमें और बातें ना सुननी पड़े दादी अम्मा की। तो एक दिन अम्मा और अब्बा वापिस आ रहे थे, मारे खुशी के चारों को नींद ही नहीं आई कि कल सुबह तो अम्मा अब्बा वापिस आने वाले हैं। बार बार घड़ी देखते रहे, सुबह ही सुबह देर से हार और फूल लेकर स्टेशन पहुंचे। अब्बा को देखकर तो आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह जाना मतलब हैरान हो गए, लाल चेहरा चमकती हुई आंखें मतलब उनकी सेहत तो बिल्कुल लाजवाब हो गई। क्या लंबे लंबे डग भरते हुए दौड़े और चारों को बाजुओं में समेट लिया। देखो बाप माँ बाप जब दूर गए होते हैं और जब लौटते हैं तो बच्चे उनको कितना मिस करते हैं और माँ बाप उनको कितना मिस करते हैं ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में बच्चों देखिए किस तरह उनके आंसू जो हैं वो थम ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू हैं। अब्बा अम्मा को देखकर जहाँ से मानो बोझ रशीद के सिर से उतरा, अब रशीद को बड़ी रिलैक्सेशन हुई कि चलो अब अम्मा अम्मा वापस आ गए हैं, मेरे सिर से तो सारा बोझ ही उतर गया। उसने वही मुन्नी की चोटियाँ खींची, वही हरकतें शुरू कर दी अम्मा अम्मा अब्बा और अम्मा के सामने जो पहले करते थे, और फिर हमीद की नाक मरोड़ दी। तो मरियम उसका खोया हुआ बचपन वापस आते देखकर मुस्कुरा उठी। मरियम तो उसकी बड़ी बहन थी, उसने देखा रशीद का जो बचपन है वो लौट आया है, अभी तक तो वो बड़े बुजुर्गों की तरह व्यवहार कर रहा था। कभी कभी तो वो रशीद को इतना गंभीर देख के डर जाती थी कि ये इतना समझदार कैसे हो गया अब्बा अम्मा की एब्सेंस में। तो अब्बा की भी सेहत बन गई थी, दोनों के आते ही उदमबाजी शुरू हो गई, बच्चे जिद करने लगे जैसे कि अक्सर बच्चे करते ही हैं माँ बाप के सामने। तो बहन भाई लड़ने झगड़ने लगे, अम्मा उन्हें डांटने फटकारने लगी। आपकी अम्मा भी डांटती फटकारती होगी आपको, आपको भी उस टाइम बड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन कभी ध्यान से एकांत में बैठ के सोचिएगा कि जब भी आपकी अम्मा या आपके अब्बा आपको डांटते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही हमेशा डांटते, उसमें उनका अपना कुछ भी नहीं छुपा रहता, उसमें सिर्फ यही होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छी राह पर चले, एक नेक बंदा बने, एक नेक इंसान बने। उसी दिन शाम को सुरेश ने कहा, वो उसका फ्रेंड फिर से लौट आया, चलो भाई बड़ी ज़ोरदार पिक्चर लगी है। तो फिर आगे से बड़ी समझदारी से रशीद ने जवाब दिया, नहीं भाई कल टेस्ट है, अम्मा डांटेगी। रशीद ने रोनी सूरत बनाकर कहा और सोचा, या खुदा तूने ये बुज़ुर्ग पैदा ही क्यों किए, मतलब उनको अल्टीमेटली सारा कुछ उसने कर लिया, संभाल लिया पूरी स्थिति, लेकिन अल्टीमेटली उसके मन में यही था ये बुज़ुर्ग पैदा ही क्यों किए हैं, ये माँ बाप पैदा ही क्यों किए हैं। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों यही समझाया है
कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप की परेशानी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, माँ बाप की परेशानी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो उस कंडीशन को, जब उस स्थिति में वो अपने आप को महसूस करते हैं कि तब उन्हें अपने बुजुर्गों का, उनके लिए बार बार जो चिंता करना है, जब बार बार उन्हें टोकना है, जब बार बार उन्हें किसी चीज़ के लिए डांटना है, फटकारना है, तब समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता उनको। बस इस पाठ का उद्देश्य यही था कि हमें अपनी जिम्मेदारी का, हमें मतलब हम भी तो आखिर अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको माइंड मैप दी है, माइंड मैप में यानी कि अवधारणा मानचित्र में मैंने आपको क्या क्या दिखाया है सुन लीजिए। अवधारणा मानचित्र में मैंने आपको लेखिका का नाम दे दिया, इस्मत चुगताई। पाठ का उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बड़ों के प्रति सम्मान दिखाइए, छोटों के प्रति प्रेम जागृत करिए अपना। उसके बाद किसने किससे कहा, यानी कि कुछ वर्ड्स, कुछ वाक्य मैंने ऐसे इस पाठ में देखे हैं, लो भला ये भी कोई तरीका है, या किसने किससे कहा, ये दादी ने कहा, लो भला ये भी कोई तरीका है, बच्चों को छोड़ के चल दिए वहां, तो दादी ने किससे कहा, सब बच्चों से, सबसे कहा। ठीक है, इस तरह के मैंने आपको किसने किससे कहा करके क्वेश्चन भी आप आंसर दे दिए हैं। बड़ों की डांट फटकार कितनी फायदेमंद, ये तो आपने लेसन सुन के जान ही लिया होगा कि बड़ों की डांट फटकार हमारे फायदे के लिए ही होती है, उस पर हमारा भविष्य ही निर्भर कर रहा होता है। उसके बाद है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों का घर संभालना, जिस तरह की ये बुजुर्ग पाठ में रशीद और मरियम ने अपने अब्बा और अम्मा की अनुपस्थिति में हमीद और मुन्नी का इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा। उसके बाद इस पाठ में बच्चों प्रश्न उत्तर दिए हैं, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए मैंने आपको दिखा दिया है रशीद का करेक्टर, शब्दार्थ भी दिए हैं, भाषा कौशल दिया है, हाँ या नहीं बताना यानी कि कौन सी बात सही है कौन सी बात नहीं है, जैसे कि अम्मा की तबीयत खराब थी, नहीं तबीयत तो अब्बा की खराब थी, तो इसी तरह आगे प्रश्न उत्तर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर, भाषा कौशल, सब कुछ आपके सामने है बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हो बेझिझक पूछ लीजिएगा, जल्दी ही मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।